ज दिस वीडियो इज पावर्ड बाय चंगान हज़ारा मोटर्स और इनके तमाम जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे चंगान हज़ारा मोटर्स मानसेरा हर किस्म की चांगान की गाड़ी आपको एल्सन होगी कि एल्सन के सारे मॉडल आपके जो अभी रिसेंटली लॉन्च है वो शान एक्स सेवन उसका कंफर्ट और दूसरे फीचर्स हैं सारे कुछ आपको कारवान वगैरह सब कुछ वहाँ पे रेडीली अवेलेबल भी मिल जाएगा और साथ ही साथ बुकिंग पे भी सो डू चेक दम आउट आपको याद होगा कुछ अरसा पहले एम जी पाकिस्तान के जावेद आफरीदीन ने एक गाड़ी का टीज़र शेयर किया था अपना सोशल मीडिया पे। जी हाँ और साथ ही कैप्शन थी कि पाकिस्तान में आ भी सकती है और 10 लाख रुपए से कम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारफ़ हो सकती है जो उस वक्त हो नहीं पाई थी इस गाड़ी का नाम वो लॉन्ग हांग मिनी ई था और है अभी भी और ये चाइना की सबसे मशहूर कंपनी है और सबसे बड़ी मकदार में इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में पैदा कर रही है जी हाँ ये वही चाइनीज़ कंपनी है जिसने टेस्ला की बैंड बजा के रख दी थी और सेल्स के नए रिकॉर्ड बना के टेस्ला को धूल चटा दी थी टेस्ला को तो हरा दिया लेकिन अब इस कंपनी को एक और बड़े चैलेंज का सामना है और वो चैलेंज सामने आया है चंगान लुमेन कॉन की सूरत में अभी कुछ ही अरसा पहले चंगान ने अपनी ही एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की थी जो कि फ़िलहाल तो पाकिस्तान में नहीं आई उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी और इसका नाम ए वी ए टी आर या एवटार कुछ लोग एवटार भी कहते हैं से रखा गया था यह चंगान का जॉइंट वेंचर था सी ए टी एल और होावी के साथ एक शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी यू वी एवटार अलेवन मुतारफ़ करवाने के बाद चंगान ने इलेक्ट्रिक हैचबैक लुमिन कॉन पर काम करना शुरू कर दिया चाइनीज़ रिपोर्ट्स की माने तो लुमेन कॉन मिनी इलेक्ट्रिक व्हीकल दो वेरिएंट्स में आ रही है पहला वेरिएंट जिसमें थर्टी फाइव की एलएफपी मोटर जो कि सी ने बनाई है इस्तेमाल होगी और ये मोटर तकरीबन 48 हार्स पावर प्रोड्यूस करेगी और अगर हम रेंज की बात करें तो एक चार्ज पर इसकी बैटरी 210 किलोमीटर तक माइलेज आपको दे पाएंगी दूसरी जानब दूसरे वेरिएंट को हम देखते हैं तो उसमें 30 किलोवाट एलएफपी की आ, मोटर लगी है जिसको बनाया गया है गोशन हाईटेक ने और ये मोटर तकरीबन इकतालीस हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकती है अगर इस वेरिएंट की मालिश की बात करें तो तकरीबन 150 किलोमीटर तक ये आपको मालिश देने की सलाहियत रखता है दोनों वेरिएंट्स की टॉप स्पीड की बात करें तो तकरीबन 101 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड कंपनी की जानब से क्लेम की जा रही है चंगार ने ऑलरेडी एक एनिमेटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमारे साथ शेयर कर दी है जिस वीडियो में हम गाड़ी की डिटेल्स देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ गाड़ी को दिखाया गया है कि इसका एक्सटीरियर कैसा होगा और अंदर से ये गाड़ी कैसी होगी और बेसिकली ये टू डोर्स कार है और इसमें चार सीट्स हमें देखने को मिलती है गोल एल हेडलाइट्स आगे सामने को देखने को मिल जाती हैं हमें और डोर हैंडल्स स्पेशली अगर हम बात करें तो वो पॉप आउट हमें मिलते हैं कन्वेंशनल डोर हैंडल्स हमें नहीं दिए गए इसमें पॉप आउट है जो कि खूबसूरत भी लगते हैं मॉडर्नाइज हैं पुश बटन स्टार्ट के साथ ये आ जाती है गाड़ी और इसके अंदर ऑफकोर्स इंजन तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये इस गाड़ी में दीगर बहुत सारे फीचर हैं जो इसकी डेफिनेटली लॉन्च पे हमें देखने को मिलेंगे और उम्मीद है जल्द ही ये गाड़ी पाकिस्तान में भी नज़र आएगी वो लॉन्ग हॉगवॉन्ग मिनी ईवी के अलावा चंगान लूमेन कॉन को दीगर चाइनीज़ हैचबैक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी डर कर मुकाबला करना होगा जिन में बड़े बड़े नाम हैं जैसा कि चेरी क्यू क्यू आइसक्रीम चेरी ई क्यू आई और बाओजान की वी ई वी शामिल हैं इन जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना में इसको टफ टाइम दे सकती हैं या या चंगान लुमिन कॉन को सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है इन कंपनीज की जानव से अब देखना ये होगा कि चंगान कब इस गाड़ी को पाकिस्तान में लॉन्च कर रही है वैसे तो नियर फ्यूचर में मुश्किल ही लग रहा है लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं यू नेवर नो कि जल्द ही हमें ये खुशखबरी देखने को मिले थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपने हमें ज़रूर बताना है कि क्या आप इस खबर को लेके एक्साइटेड हैं डू यू वॉन्ट टू सी दिस व्हीकल्स इन पाकिस्तान एज़ सोन एज पॉसिबल और यू आर नॉट इंटरेस्टेड